तो दोस्तों पहले लॉन्ग क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। और अगर मैं लॉन्ग क्वेश्चन की बात करूं तो आपके पास जो फर्स्ट फ्लाइट है उसमें आपके टोटल 4 लेसन है, पोएम आपके पास 3 है, और जो आपके पास फुटप्रिंट्स विदाउट फीट वाली बुक है उसमें भी 4 लेसन है। तो कौन सा ऐसा 3 या 4 लॉन्ग क्वेश्चन है जिसको आपको बहुत अधिक ध्यान देने की जरूरत है, जिसको मिलने के बहुत अधिक चांस बनेंगे? तो पहली बात मैं आपसे यहाँ पे यही बोलूंगा कि आपने ये जो भोली है, भोली वाली लड़की जो ये भोली है, इसको जरूर ध्यान रखना। मैं यहाँ पर 4 स्टार लगा रहा हूँ, ठीक है? अब आप कहेंगे कि सर इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन किस टाइप का आ सकता है, वो तो एक रिस्की वे होता है बताना। आपको ये रखना है कि इसमें से आएगा, ठीक है, किसी ना किसी सेट में। अब सेट भी 4 है तो किसी ना किसी सेट में से आपको भोली मिल जाएगा। और चलिए मैं यहाँ पे आपको थोड़ा हिंट भी देता हूँ कि भोली में जो इस टाइप का क्वेश्चन होगा कि भाई टीचर ने किस तरह से वो जो भोली है उसको एक अच्छा बंदा बना दिया, बढ़िया बंदा बना दिया, ऐसा जो क्वेश्चन आपको मिले। आया आप ऐसा करो कि हल्की सी समरी, या भोली टीचर ने भोली के जीवन में क्या परिवर्तन करा, इस तरह का एक क्वेश्चन है, उसको देखना है जरूर। वो लॉन्ग क्वेश्चन में आने के बहुत अधिक चांस रखता है। इसके अलावा आपको एक इसमें ये जो मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट है बिल्कुल छोड़ना है। किसी भी सेट में आपको किसी भी तरह से ये नहीं मिलने का दम रखता है। और द नेकलेस में आपने ध्यान रखना है कि नेकलेस में आपने वही रखना है कि भाई वो किस तरह से अपने हार को खोती है और क्या क्या उसके सर्कमस्टांसेस होते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप समझदार हो तो एक तो नेकलेस वाला चैप्टर यहां से, इसमें से जो मन करे, और अगर कोई टीचर है तो उससे पूछ लो, एक नेकलेस में से याद करना है सिर्फ एक, और एक यहां से भोली से याद करना है। अब कौन सा याद करना है, मैंने आपको हिंट भी दे दिया है कि आप भोली में से वो याद करो कि भाई भोली के जीवन में टीचर ने किस तरह से चेंज लेके आया था, ठीक है? अच्छा, दूसरी बात, नेकलेस में से आपने वो याद रखना है कि भाई वो नेकलेस कैसे उसने खोया था मटिल्डा ने, और फिर क्या क्या उसमें उन्हें सर्कमस्टेंसेज हुए थे, क्या क्या सर्कमस्टेंसेज, क्या क्या हार्डवर्क उन्होंने करा था। बात आती है कि सर अब फर्स्ट फ्लाइट में से कौन से लॉन्ग क्वेश्चन में ध्यान दें। देखिए फर्स्ट फ्लाइट में से आपको अगर बिल्कुल लास्ट टाइम पे किताब उठाई है, काफी बहादुर बच्चे हो, तो ऐसे कंडीशन में आपको कुछ नहीं पढ़ना। मैं आपको सिर्फ अब भी बता रहा हूं कि आपने सिर्फ और सिर्फ द सरमन ऑफ बनारस, आई रिपीट, द सरमन ऑफ बनारस में से एक क्वेश्चन आता है। अब डायरेक्टली बोलना तो ऐसे ले लो ना, आप ऐसे बोलो कि इसमें से वो आता है कि भाई किसा गौतमी के लड़के के साथ क्या हुआ था, और उसको महात्मा बुद्ध ने किस तरह से ठीक करा था, और किसा गौतमी को कैसे चेंज आया था, कुछ भी इस तरह से जिसमें किसा लिखा हो, ठीक है? ये एक ऐसा क्वेश्चन इस बार लॉग में 3 आपको मिलेगा। सेट 4 है, लेकिन आई रिपीट कि भाई ये 3 क्वेश्चन सेट 4ों की शोभा बढ़ाएंगे और वहां पे हर जगह मिलेंगे। मैं वर्ड बोल रहा हूँ, मतलब यहां से आपको किसा वर्ड मिल जाएगा, ठीक है, और यहां से आपको नेकलेस में मटिल्डा वर्ड मिलेगा, और यहां पर आपको भोली वर्ड लिखा मिलेगा, और भोली वाले चैप्टर में से, ठीक है? मतलब आपने 3 लॉन्ग करने, मैंने आपको टोटल 3 लॉन्ग क्वेश्चन बताए, और बेफिक्र होके 3 लॉन्ग क्वेश्चन आप याद कर लीजिए। और अगर मान लीजिए आपके में ऐसा सेट आता है जो कि हार्डेस्ट होता है, क्योंकि 4 सेटों में एक सेट तो ऐसा रहता ही है जो औरों के कंपेयर, अगर हम कंपेयर करें तो वो डेफिनेटली औरों से हार्ड रहता है। तो अगर आपने ऐसा करना है कि भाई मैं तो 100% श्योर होकर जाऊंगा, कोई रिस्क मैं लेना नहीं चाहता, तो ऐसी कंडीशन कोई आपकी अगर लग रही है तो आपको यहाँ से प्रपोजल में से जो नतालिया और जो लुमोव है, लोमो और नतालिया का जो कैरेक्टर है उसमें जो डिफरेंस थे, और या कुछ भी मेड फॉर इच अदर, डिस्क्राइब हाउ नतालिया एंड द लोमो आर मेड फॉर इच अदर, इस तरह से, मतलब आपने उसमें लोमो और नतालिया ये वाला जो आपको कोई भी वर्ड किसी भी क्वेश्चन में मिलता है अपनी गाइड में लोग में, उसको कैसे भी अपने साथ में रखना है, दिल में जेब में जहां मन करे, तो इसको आपने ध्यान रखना है, ठीक है? ये हो गया। अगर हार्ड पेपर आए, हार्ड पेपर आए तो लोमो नतालिया और यहां से द हैग ट्राइब, बात समझे? अगर मान लीजिए आप लकी हैं और मोस्टली आपके पास वो जो 3 सेट लगभग इजी होते हैं और वो वाले सेट मिल गए, तो उन 3 सेट के लिए तो यही घूमेगा जी, किसा, नेकलेस, नेकलेस में मैटिल्डा, और ये आपका जो भोली वाली है, ये भोली, इसमें टीचर ने कैसे चेंज करा, ये आएगा।
तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 है, जो कि सबसे ज्यादा मार्क्स का होता है, जिसमें से आपको 3 में से 2 करने होते हैं और ये चार चार नंबर के होते हैं और 120 वर्ड तक आपको, यानी 100 वर्ड तो लिखने ही पड़ते हैं, यानी लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। तो अगर इसकी टेंशन चल रही है तो इसकी टेंशन तो लगभग आपकी मतलब छुमंतर हो चुकी है। आपको मैं आप ही बोल रहा हूँ कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो आपने 3 क्वेश्चन याद करने। नंबर 1 किसा वाला याद कर लेना, और वो किसा वाला क्वेश्चन वही होता है कि भाई किसा गौतमी कौन थी, उसके लड़के के साथ क्या हुआ और महात्मा बुद्ध ने कैसे उसके अंदर एक चेंज लेके आए। दूसरी बात, यहाँ से द नेकलेस में से वो याद कर लेना कि भाई मटिल्डा कौन थी और वो उसने नेकलेस कैसे खोया और फिर उसके बाद क्या सरकमस्टेंसेज हुए। और चौथी बात, भोली में आपने, मेरे टीचर ने भोली के जीवन में क्या परिवर्तन करें, ये 3 याद कर लेना है। और अगर फिर भी कोई डाउट है और कोई प्रॉब्लम चल रही है और अब भी कोई दिक्कत है तो देखिए, अभी भी 2 दिन बचे, 2 दिन तो बहुत बड़ा टाइम होता है, तो मैं थोड़ा जल्दी आ गया हूँ आपको बताने के लिए। वैसे मैं एक आध दिन पहले आता हूँ। तो आपने क्या करना है कि आपको अगर ऐसा लगता है कि नहीं सर जी मैं ऐसा बच्चा नहीं, मैं तो 5 याद कर लेता हूँ, और 5 से ज्यादा तो फिर वही होता है ना, पढ़ने के लिए तो पढ़ते रहो, 500 पढ़ लो, 2.5 लाख पढ़ लो, उससे क्या फर्क पड़ता है ना। तो 5 याद कर लो, और 5 के लिए आप एक तो यहाँ से प्रपोजल में से नोमो और लतालिया को उठा लेना, और एक हेड ड्राइवर में से जो लुटकिन है ना वो वाला जरूर ले लेना, जो लुटकिन उसे पागल बनाता है वो वाला जरूर लेना। तो आपका क्वेश्चन नंबर तो 7 पूरा हो गया। अब इसके बाद जो मेरे को सबसे अच्छे तरीके से पता है कि भाई कौन सा वाला आपके पास, वो जो क्वेश्चन नंबर वो आता है ना, आपका क्वेश्चन नंबर आता है आजकल थर्ड का सेकंड पार्ट आता है। हाँ, तो थर्ड के सेकंड पार्ट में आपको कौन सा वाला लेटर और कौन सा वाला पैराग्राफ पक्का आना है वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, अब दूसरे वाले पार्ट में, ठीक है। लेटर और पैराग्राफ आपके मतलब बड़े बड़े क्वेश्चन मैं सारे करा दे रहा हूँ, और उसके बाद भी जो छोटे मोटे वो तो आप ऐसे ही कर लोगे। तो आप देख रहे हो भास्कर सर का तुक्का, और मैं आपका दोस्त भास्कर, जो केवल पेपर के टाइम पे ही थोड़ा बहुत आने की कोशिश करता हूँ। और यहाँ पर आपको जो है मैं बता रहा हूँ कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपके क्लास 10th में 27 आपका जो एग्जाम होना है 27 अप्रैल को 2022 को CBSE Term 2 का जो इंग्लिश का एग्जाम होना है, बिल्कुल समझिए कि ऐसा ही मिलता जुलता आपको वहाँ पर। तो लेटर के लिए तो इस बार बिल्कुल क्लियर है कि जो आपके पास लेटर होगा 5 नंबर का, वो तो प्लेसिंग ऑर्डर होना है, वो तो मतलब आपको हमको लगभग सबको पता है। तो प्लेसिंग ऑर्डर होगा, तो उसमें भी आप, ये हो सकता है कि किसी से बैट मंगाएंगे, किसी से कुछ या किसी से कुछ हो सकता है। तो आपको एक परफॉर्मा मैन परफॉर्मा यहाँ पर आपको रखना चाहिए। तो ये मैंने यहाँ पे जो लिखा हुआ है, जो इस तरह से मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ कहीं से, तो आपने इसको स्क्रीनशॉट में ले लेना है। सबसे पहले आपके पास आपका एड्रेस, एग्जाम हॉल डेट, उसके बाद रिसीवर एड्रेस, यहाँ पे 3 लाइन पे, यहाँ पे फिर वो जो आइटम है वो आपने लिखना है, और लास्ट में आपने एज इट इज ये लिख देना है, और ये आपका सेंटर का नेम हो गया। अगर मैं इसी का एक एग्जाम्पल दिखाऊँ कि भाई किस तरह का एग्जाम्पल आपको वहाँ पर एक मिल सकता है, तो जैसा कि आपने यहाँ पर देखा, ये स्कूल का नाम यहाँ पर हमारे पास है, डेट डाली है, और जिससे हम मंगा रहे कोर्स को इंडिया मेरठ उत्तर प्रदेश, उसका यहाँ पर लिखा है, और ये हमने नेम लिखा है बास्केटबॉल, और ये सारी चीज़ें मिली हुई है, और यहाँ पे योर स्टोरी लिखना है। अब कहने का मतलब ये है कि अगर आपके ये परफॉर्मा आसानी से अगर आप ध्यान रख पाते, गिनी चुनी 4 लाइनें, अगर लास्ट दिन में याद करने में भी आपको ज़्यादा ज़्यादा 8 मिनट लगेंगे, और अगर इसकी जीरो कॉपी बनाते हो तो उसमें आपको 8 सेकंड लगेंगे, तो डेफिनेटली इससे ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा। और इसको आपने फिट कर लेना है, जस्ट यहाँ पे फिट करना सीखना है कि भाई किस तरह से, एड्रेस तो क्योंकि चेंज होके आएगा, सब कुछ चेंज होके आएगा, हो सकता है कि बास्केटबॉल ना आए तो कुछ और आ सकता है, लेकिन आपके पास प्लेसिंग ऑर्डर ही रहना है। वो तो एक यूनिवर्सल ट्रथ है इस बार कि भाई लेटर में प्लेसिंग ऑर्डर ही आना है। अगर प्लेसिंग ऑर्डर नहीं आया तो आपका इंक्वायरी लेटर आएगा, और इंक्वायरी लेटर में इस तरह से कि भाई आपका, इसका भी फॉर्मेट ऐसे होता है सेम ऐसे, दिस इज टू रेस्पॉन्स ऑफ योर एडवर्टाइजमेंट, और जस्ट हमें यहाँ पर वो फिलअप करना होता है, जो हमारा एड्रेस वेड्रेस होता है वो यहाँ पर फिलअप कर दो, और एज इट इज, जैसे कि इसके लिए भी एक यहाँ पर हमारे पास है कि आपके पास सबसे पहले अपना एड्रेस, लाइब्रेरी रोड हमने यहाँ पे रखा, ये रखा, और इंक्वायरी रिगार्डिंग नीट कोचिंग बैचेस। तो जरूरी नहीं है कि नीट कोचिंग बैचेस, जो हो सकता है इंग्लिश स्पीकिंग या कंप्यूटर कोर्स या DTP कोर्स, आपके लिए कुछ भी बोला जा सकता है, तो वह आपने जस्ट यहाँ पे लिखना है, और उसके बाद सर मैडम करके यही चीज एज इट
जो आपने ये परफॉर्म में लिखी थी, ड्यूरेशन, प्रोसीजर, टाइमिंग, अवेलेबल फैसिलिटीज, वो यहाँ पे चेप देनी है और कुछ नहीं सोचना है, और जस्ट एक एक लाइन, एक एक वर्ड ऐसे लिखना है, तो ये आपका एकदम से फ्री का नंबर हो जाता है। और आपने देखिए, लॉन्ग क्वेश्चंस जो होते हैं आपके ज्यादा मार्क्स के होते हैं, लेटर पैराग्राफ आपका ये चॉइस में होता है, फिर भी ये ज्यादा मार्क्स का होता है। और इसके अलावा एक आपके पास रहता है कि भाई जो पैराग्राफ है आपके पास वो किस टाइप का आएगा, वो तो मैं श्योर आपको बता रहा हूँ कि मैं आपको एक पैराग्राफ लिख के दे रहा हूँ, और वो पैराग्राफ आप चार सेटों वाले ने सबने वही लर्न करके जाना है। उसका जो लिंक है वो अलग से डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, और उसी को लर्न करके जाना है, वो तो 100% वही बनना है और कोई सा आना ही नहीं है। तो इस तरह से अगर आप ये छोटी मोटी बातें थोड़ा ध्यान रखोगे तो डेफिनेटली आपका जो एग्जाम है वो अच्छा चले जाएगा। और एक बात आपने ध्यान रखना है कि जो सेकेंड वाला आपके पास इस बार अनसीन पैसेज रहेगा, उसमें कुछ अपने सैम्पल पेपर या उसमें से जो बार ग्राफ होता है या डायग्राफ, वो पाई चार्ट होता है ना सर्कल में, या बार ग्राफ खास तौर से जो डंडे डंडे से खींचे होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन की एक आध बार घर में जरूर प्रैक्टिस करना। तो डेफिनेटली आपका ये जो पेपर, अगर ये कुछ छोटी मोटी बातों को ध्यान रखोगे और इन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ज्यादा कंसेंट्रेट करोगे तो काफी अच्छा चले जाएगा। बेस्ट ऑफ लक।